हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रवि और आप मेरे साथ देख रहे हैं इन्फो माफिया। सीएनबीसी की एक प्रेस वार्ता में पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बताया कि सरकार ने जो 7% का जीडीपी रेट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद का जो वृद्धि दर बताया है वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। तो रघुराम राजन ने ऐसा क्यों कहा, ये समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि जीडीपी होता क्या है। एक निश्चित समय में किसी राष्ट्र या किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल योग को हम जीडीपी कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर हम मान लें कि कोई किसान गेहूं उत्पादित करता है, उसके बाद उस पर कुछ सर्विस होता है, तब जाके वो आटा बनता है, फिर उस पर कुछ कार्य होता है, तब वो जाके ब्रेड बनता है, तो जो ब्रेड की कीमत होगी वो सकल घरेलू उत्पाद के तौर पे हम उसे मानेंगे। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि रघुराम राजन ने ऐसा क्यों कहा कि ये 7% का जीडीपी रेट संदेहास्पद है। विगत कुछ वर्षों में जो बेरोजगारी की दर रही है 3 से 3.5% रही है, लेकिन वर्तमान में 2018 में जो बेरोजगारी की दर रही है वो 6.1% हुई है। कहीं ना कहीं इसमें 2.5% की बढ़ोतरी हुई है। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी का जो मूल है वो उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन है। कि अगर उत्पादन बढ़ती है, किसी राष्ट्र का उत्पादन बढ़ता है, सेवाओं में वृद्धि होती है, तो उस राष्ट्र का जीडीपी ग्रोथ करेगा। तो विगत कुछ वर्षों के अनुसार बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उत्पादन में और जो सेवाएं हैं उनमें कमी आनी चाहिए, जिसके कारण जीडीपी प्रभावित होकर कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। तो यही कारण है जिसके कारण रघुराम राजन ने कहा कि बेरोजगारी दर बढ़ने के बावजूद जीडीपी बढ़ कैसे सकता है। बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो जीडीपी घटना चाहिए, तो नौकरी उत्पादित नहीं हो रही है यानी जीडीपी घटनी चाहिए। यही कारण है कि रघुराम राजन ने 7% के जीडीपी के बढ़ोतरी के दर को संदेहास्पद बताया है। और सरकार इस पे क्या प्रतिक्रिया देती है ये देखने वाली बात होगी। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, इन्फो माफिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई सजेशन हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।